हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएससी टीम मिशन हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो है गीजर पानी कैसे गर्म करता है, इसका हीटिंग प्रोसेस के ऊपर ये वीडियो है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, तो ये देखिए असेंबली का मैं एक डायग्राम बनाया हूँ। ये देखिए वाटर, ये यहाँ से ठंडा पानी आता है, मतलब ये वाटर इनलेट है। वो देखिए ये वाटर, मतलब ये ठंडा पानी आता है, और जो हॉट वाटर का आउटपुट है, मतलब आउटलेट, ये है आउटलेट। ये सिंगल जो पाइप देखेंगे यही आउटलेट होगा, और ये जो दो देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो थर्मोस्टेट और एक थर्मोस्टेट और एक ओवरलोड का टेल रहेगा, मतलब जो सेंसर रहता है, जो पानी कैसे गर्म हो रहा है उसके हिसाब से ऑटो कट करेगा पानी को। तो अब मैं असेंबली को आपको लाइव दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये है इनलेट वाल्व, मतलब ये यहाँ से पानी इन होता है, और ये पाइप देखिए यहाँ पर ठंडा पानी आता है। ठंडा पानी का जो पाइप है वो ऐसे यू बेंड रहेगा हमेशा, और जो हॉट वाटर है, गर्म पानी का पाइप है। और एक चीज आप नोट कीजिए, यहाँ पर ओएलपी लगा हुआ है, और यहाँ पर एक सेफ्टी वाल्व रहता है। ये देख लीजिए आप वाल्व को, और आपको ये भी बात समझना होगा, जो कोल्ड वाटर का पाइप है वो यू क्यों दिया रहता है, मतलब ये असेंबली ने गीजर में ऐसे लगा रहता है, तो जो पानी आता है ठंडा पानी वो नल से डायरेक्ट पाइप से होते हुए ऊपर की तरफ पानी अगर ना आए, इसलिए इसको यू बेंड दिया रहता है। और जब पानी गर्म हो जाता है ना, मतलब पानी जो बॉयल पानी है वो गर्म पानी ऐसे ऊपर रहता है गीजर के ऊपर, इसलिए गर्म पानी का पाइप है। ये देखिए, और इसमें दो एलिमेंट रहता है, ये थोड़ा पुराना वाला मॉडल का गीजर है। ये देखिए ये एलिमेंट है, और इस वाल्व का जो काम है वो है, जब गीजर जब लगा हुआ रहता है, अगर उस बिल्डिंग में टैंकी में पानी खाली हो जाए तो गीजर का पानी मतलब बाहर ना आए, इसलिए इस वाल्व को दिया रहता है। मतलब इस वाल्व सिर्फ इन होगा, पानी इससे अंदर जाएगा, और अगर ये वाल्व ठीक है तो अगर वो बिल्डिंग का अगर टैंकी खाली हो जाए, तब गीजर के टैंकी के अंदर जो पानी है ना, उसको ये बाहर नहीं आने देगी, क्योंकि गीजर कभी भी खाली, अगर गीजर को बिना पानी के आप चलाएंगे तो ये जो एलिमेंट है जल जाएगा पूरा, इसलिए गीजर को हमेशा पानी रहना चाहिए, इसलिए सेफ्टी के लिए इनलेट वाल्व दिया रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो आएगी जो गीजर का थर्मोस्टेट, हीटिंग एलिमेंट, ओवरलोड प्रोटेक्टर और भी जो है सभी इक्विपमेंट के ऊपर मैं वीडियो आपको दूंगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।